बाहर बहुत सारे मीट मसाले मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसमें कलर रहेगा, इसीलिए मैंने बिल्कुल हाइजीन और घर का बना हुआ, क्योंकि ये हमारे दादी नानी के जमाने से आ रहा है बनकर, इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे नॉन वेज वीडियोस डाले हैं। इसमें मैं बताकर हूँ कि आप थोड़ा सा मीट मसाला मिला लीजिए, लेकिन मीट मसाला बनाने का तरीका मैंने नहीं बताई थी, तो आज मीट मसाला कैसे बनाते हैं घर में, होममेड मीट मसाला वही बता रही हूँ मैं। बस बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी, बहुत ही सिंपल ही, ये देखिए, सिर्फ आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर लेना चाहिए, सिर्फ इतने चीजें आप पंसारी के यहाँ से ले आइए। ये देखिए साबुत धनिया, साबुत धनिया तो हर कोई इस्तेमाल करते ही हैं घर में, साबुत धनिया लेके हूँ मैं। आप जितनी क्वांटिटी चाहिए इतनी क्वांटिटी हर चीज ले लें। मैंने इधर में सिर्फ आपको बताना और समझाने के लिए मैंने थोड़े सी चीजें रखी हूँ। अभी मैं बहुत सारा बनाकर एक बड़े डिब्बे में डालकर रखना चाह रही हूँ। ये देखिए घर में खाली हो गया है पाउडर पूरा, मीट मसाला पाउडर, तो मैं बनाने के लिए ज्यादा रखी हूँ, क्वांटिटी मेरी ज्यादा है। अभी आपको समझाने के लिए बस इतना सा लेके हूँ मैं सामने आपके। ये देखिए साबुत धनिया और ये है शाही जीरा, आप लिख कर रख लें और पंसारी के यहाँ जाकर ला लें। और ये देखिए काली मिर्ची और इसके अंदर पिपली जो है, ये देखिए, ये बताने के लिए मैंने सामने से बता रही हूँ, पिपली देख लीजिए ऐसी आती है पिपली। और लौंग को तो मालूम है, हरी हरी इलायची है ये। और ये है, ये देखिए मोटी बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची आप कहें तो पंसारी के यहाँ वो दे देगा। और ये है फूल जो एनिस फूल कहते हैं हम उसको, चक्कर फूल है, चक्कर फूल ज्यादा नहीं डालती मैं, थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं इसके हिसाब से। और ये देखिए जावित्री, जावित्री तो आपको मालूम है जावित्री यूज करते हैं बड़े लोग, जिसके घर में बड़े लोग हैं वो उनको हर चीज का पता है। और ये देखिए दालचीनी, दालचीनी थोड़ा सा ज्यादा ले लें। ये देखिए सौंफ, सौंफ थोड़ी कम ले लें, क्योंकि जीरा हम शाही जीरा ज्यादा लेते हैं तो सौंफ कम ही लेना है, सौंफ में बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है, इसीलिए थोड़ी कम ले लें, यानी कि आधा स्पून डाल के हूँ मैं। और सफेद जीरा जो है वो 1 स्पून लेके हूँ। और ये सौंठ है, आपको पता है ना सौंठ, सौंठ की चाय बड़ी अच्छी टेस्टी होती है, सौंठ तो हर किसी के घर में होती है। और ये है, ये देखिए जायफल, ये देखिए जायफल लेके हूँ मैं, चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मिला लें इसके अंदर, इसके साथ ही, लेकिन मैं नहीं मिलाती क्योंकि ये बिरयानी के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ मसाला। और देखिए कश्मीरी लाल मिर्च ये भून कर रखी हूँ। और ये देखिए तेज मिर्ची है, ये छोटी सी तेज मिर्ची, ये भी भून कर रखी हूँ मैं, ये साइड में रख दूंगी, अभी इसके नहीं बनाऊंगी, ये अलग सा बनाऊंगी, ये अभी इसका मसाला बनाऊंगी, सिर्फ हमारे सादा मिक्सर जार में डालूंगी। ये मैं बताऊंगी मैं क्वांटिटी कितनी लेके हूँ, मैं बहुत ज्यादा बना रही हूँ अभी बताऊंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैं क्वांटिटी ज्यादा लेके हूँ बोली ना, वही है, ये देखिए, दिखाओ ना इधर कैमरा लाओ, ये देखिए दोस्तों मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लेके हूँ, क्योंकि एक बॉक्स में भर कर रखना है मुझको, अभी मैं मिक्सर जार में पीसूंगी, वही सादा मिक्सर मामूल हमारा घर का। अभी हम ये सब चीजें भून लेंगे दोस्तों, सिर्फ भूनने का तरीका जो है वो चूल्हा अच्छा बढ़ा कर रखें, ये कढ़ाई रख लें, उसके अंदर तेल ऑयल कुछ ना ही डालें आप, सिर्फ भूनना है और लाइट सा भूनना है, ज्यादा नहीं, उसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस करने के लिए, उभारने के लिए हमको भूनना है, और लॉन्ग टाइम आप रख सकते हैं भूनने के बाद में। हिस्से से भूने, थोड़ा सिम पे रख लें चूल्हा, फुल हीट करने के बाद में सिम पे रख लें चूल्हा। देखिए भुना गया है अभी ये, आहा क्या मस्त स्मेल आ रही है दोस्तों, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, अब देखिए जावित्री, शाही जीरा और साबुत धनिया, ये तीन भी डाल के हूँ मैं इसको भूनने के लिए, छोटे कढ़ाई गरम है। अभी डालेंगे हम सौंफ, जीरा, काली मिर्ची, पिपली और लौंग और हरी इलायची, वो भी डाल दी मैंने एक ही में। देखिए दोस्तों इसकी फ्लेवर भी बड़ी अच्छी आ रही है, अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, बाद में हम मिक्सर जार लगा देंगे इसको।
चकला डालें, क्योंकि ये लेट भुना जाता है इसीलिए मैं अलग सा डाल रही हूँ चकला। और ये दो फूल डाल रही हूँ बस भुनने के लिए। ये देखिए, ये देखिए चकला फूल, सिर्फ दो फूल डाल रही हूँ। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता भी भून लूंगी। ये ऑप्शनल है दोस्तों, चाहे तो आप डाल लें नहीं तो स्किप कर दें। और बाकी के जो चीजें हैं वो पूरे डालना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ तेज पत्ता जो है वो ऑप्शनल है। ये देखिए दोस्तों तैयार हो गया है, पीस कर रेडी हो गया पाउडर। ठंडा होने के बाद में पीस लें तो ऐसा खुला खुला रहेगा, और पीसने के बाद फिर ये ठंडा कर लें, फिर जार में डाल के रख लेंगे। आप चाहे तो एक साल भी ये रह सकता है, क्योंकि ये भुना हुआ है और इसके अंदर जो मैं डाल के हूँ इंग्रेडिएंट्स ये इतने अच्छे हैं कि आप आराम से एक साल तक इसको इस्तेमाल कर लें। नॉन वेज के लिए इस्तेमाल करें ज़्यादातर, और वेज के लिए भी कर लें, लेकिन वेज के लिए उसमें ऑप्शनल होते हैं, हर चीज़ के लिए ये पाउडर सेट नहीं होगा वेज के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ। दोस्तों ये कलरलेस इसलिए है, आपको तो पता है कि मैंने इसमें कितने आइटम डाली, और कलर के आइटम बिल्कुल भी नहीं डाली, जैसे हल्दी और चिल्ली पाउडर कौन सा भी नहीं डाली, ये ऑप्शनल कह रही हूँ मैं। अभी मैं इसलिए ये सीक्रेट, मेरा पाउडर का सीक्रेट ये है कि ये अफगानी फल और काबुल कबाब ये सब बनाती हूँ इसके साथ, और पनीर के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ ये पाउडर, और बिरयानी के लिए भी पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों मैं जो बता नहीं सकती अभी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो फॉलो करते रहे, मेरे वीडियो देखते रहे। अभी इसके अंदर हम फिल करेंगे। हाँ स्मेल देखो, स्मेल कितनी महक रही है दोस्तों, इसकी खुशबू तो खुशबू महक रही है। हमारे अपार्टमेंट में पूरे ये इसकी महक उड़ गई है, और आज अभी पूछेंगे मैं बाहर गई तो कि आपके यहाँ कुछ बना हुआ है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही, क्योंकि भुनी ना तभी स्मेल बहुत अच्छी आई इसकी। हाँ देखिए अभी इसको रख दूंगी। बाहर बहुत सारे मीट मसाले मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसमें कलर रहेगा, इसीलिए मैंने बिल्कुल हाइजीन और घर का बना हुआ, क्योंकि ये हमारे दादी नानी के ज़माने से आ रहा है बनकर, इसीलिए हम सबको आदत है कि ऐसे ही बनाई, मुझको बहुत अच्छी आदत है कि ये इस पूरे मसाले मैंने इधर में नहीं सीखी, ये हमारे दादा दादी नाना नानी जो हैं उनके ये खानदानी मेरे मसाले हैं, ये यही बताई मैंने आपको। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमेशा खुश रहें, स्टे फिट दोस्तों। अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमेशा हेल्थी ही रहेंगे। मुमताज़ के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं।